जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने YouTube चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ नए तरीके से बथुए आलू के पराठे और साथ ही बहुत ही टेस्टी और काफ़ी हेल्दी बथुए के रायते की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगे, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और सर्दियों में सबके फेवरेट ये बथुए आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम जितना बथुआ लिया था, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, घास वगैरह हटा दी, डंठल बीन दिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो बथुआ लिया है इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश किया और 1 कप पानी के साथ हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। बथुए को उबालने से पहले आप बिल्कुल अच्छे से साफ ज़रूर कर लें। और लीजिए, 5 मिनट लगे और हमारा जो बथुआ था बढ़िया सा उबल चुका है। तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पराठों में पानी की ज़रूरत इस समय नहीं है। लेकिन पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसे हल्का सा ठंडा कर ले। और जितने हमारे पानी ठंडा होता है, हम कर लेते हैं थोड़ी सी तैयारी। उसके लिए बथुए के साथ 5-6 हरी मिर्ची डाली और इसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया है। और आप देखिए, इस समय इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर है तो आप इसे हाथों से अच्छे से इस तरीके से निचोड़ के निकाल दें। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं और आप चाहें तो इसे चॉपर में चला सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो। और 10 से 12 सेकेंड लगे, हमारा जो बथुआ था बढ़िया सा इस तरीके से पीस चुका है। और ये मैंने लिया है पराठे बनाने के लिए नॉर्मल आटा, 2 कप जितना आटा है उसमें डाल दिया, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच जितना दही डाला है। आप चाहें तो थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। इतने ही हमने जो बथुए वाला पानी रखा था वो भी हल्का सा ठंडा हो गया है, क्योंकि सर्दियों में आप हल्के से गुनगुने पानी के साथ अगर डो लगाते हैं तो डो ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना डो थोड़ा सा चीड़ा सा हो जाता है। बस बिल्कुल सॉफ्ट सा हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए, डो बहुत ही बढ़िया सा लग चुका है। तो इसे रेस्ट होने पे रखने से पहले हम क्या करेंगे, हाथ को हल्का सा चिकना कर लेंगे और इस तरीके से लगाकर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से रख देते हैं। और उतने ही हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। उसके लिए जो बथुआ था उसे मैंने एक प्लेट में कर लिया है और ये थोड़ा सा बथुआ इसी में छोड़ दिया है, क्योंकि हम बनाएंगे इससे रायता। तो बस इसी बथुए में हम डाल देते हैं घर का जमा हुआ करीब 200 ग्राम गाढ़ा दही और दोनों को एक साथ चला लेंगे। तो देखा ना आपने, इस तरीके से काम करना कितना आसान हो गया है। और देखिए, सेकेंडों में हमारा बथुए का रायता बनकर तैयार है। तो चलिए, इसे तो ट्रांसफ़र कर लिया और अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से गाढ़ा रायता भी अगर आपको पसंद है तो उसे भी रख सकते हैं। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, साथ ही बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च ऑलरेडी डाल रखी है। और ये लिया भुना हुआ जीरा, जो हाथ से क्रश करते हुए डालेंगे। बहुत ही सिंपल होता है बथुए का रायता बनाना, लेकिन टेस्ट अमेजिंग होता है और सर्दियों में तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और ये गया थोड़ा सा काला नमक और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल सकते हैं। बस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये लीजिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रायता तो तैयार हुआ। और अब रायते के बाद हम बनाएंगे स्टफिंग। और स्टफिंग बनाने के लिए बथुए के साथ ही मैंने ये उबले हुए 4 आलू ले लिए हैं और बस अब हम उसे ग्रेट कर लेते हैं। और ये लीजिए, आलू भी हमारे ग्रेट हो चुके हैं और अब इन दोनों को मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें। और ये गया थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। बहुत ही लिमिटेड मसाले डालने हैं और बस इतने ही मसालों के साथ आप इसे बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि बथुआ जो आप लें बिल्कुल अच्छे से उसे निचोड़ लें, पानी ना रहे। तो लीजिए, स्टफिंग भी बनकर तैयार हुई। इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हम इसे और भी इंटरेस्टिंग सा बनाने के लिए अब हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे और वो है प्याज। ये मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और उसे बहुत ही बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। और प्याज में आपको नमक वगैरह नहीं डालना है, बस आप डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपके पास सूखा है सूखा डालिए, और नॉर्मल है जो यानी कि गीला वाला आता है वो है तो वो डाल दीजिए। और धनिया किस तरीके से सुखाते हैं
उसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड करी है, क्योंकि इस समय धनिया काफ़ी सस्ता आता है, आप उसे सूखा कर रख लीजिए और पूरी साल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब सब कुछ तैयार हो चुकी है, अब बनाते हैं हम पराठे। बस उसके लिए आटे को एक बार अच्छे से और मसल लेते हैं, जिससे और भी स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि नॉर्मल पराठे बनाते हैं, उससे कुछ बड़े बड़े हम इसके बॉल बनाकर तैयार करेंगे। और एक बॉल लिया, सूखे आटे में हल्का सा कोट कर लेंगे और बेलन के साथ हम इसे जैसे एक नॉर्मली पूड़ी बनाते हैं उतना बड़ा बेल लेंगे। बस ध्यान एक ही बात का रखना है कि साइडें थोड़ी सी पतली रहे और बीच थोड़ा सा मोटा। और ये लीजिए, एक तो तैयार हुआ। अब स्टफिंग भी हमें नॉर्मली उतनी ही रखनी होती है जितने कि हमने आटे का डो लिया है। इससे पराठे ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। प्रेस किया और जो हमने प्याज और धनिया मिक्स करके रखा था वो इस तरीके से हम स्टफ़ करेंगे। अगर आप इस तरीके से पराठे बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही यूनिक और एकदम औसम सा आपको टेस्ट मिलने वाला है। स्टफिंग में मिक्स करने के बाद में प्याज का उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा जो आपको इस तरीके के पराठों में आएगा। बस हाँ, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है, वरना आप चाहें तो उसे मिक्स भी कर सकते हैं। और बस इस तरीके से चुन्नट उठाते हुए आप इसे केयरफुली बंद कर लें। बिल्कुल अच्छे से सील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना भरमा पराठे स्टफिंग करने में प्रॉब्लम करते हैं और स्टफिंग बाहर आ जाती है। बिल्कुल अच्छे से एक बार हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे जिससे स्टफिंग पराठे पे चारों तरफ अच्छे से सेट हो जाएगी। और उसके बाद बेलन से हम बिल्कुल हल्के हाथ से पराठे को बेल लेंगे। स्टेप आपको वही करना है, किनारों से बेलना शुरू कीजिए जिससे स्टफिंग आपकी बहुत ही अच्छे से भरेगी। पराठा तैयार हुआ, गैस ऑन करके तवा रखा और उसे कर लिया हल्का सा ग्रीस। और गर्म तवे पर हम पराठे को प्लेस कर देते हैं। आपको तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम गर्म हो तभी आप पराठा प्लेस कर दीजिए। और बस उसे टर्न कर दिया और इसी बीच हम एक और पराठा बना लेते हैं। तो बस उसके लिए फिर से एक बॉल लिया, प्रेस किया, थोड़ा सा बड़ा किया, स्टफिंग रखी और उसके बाद रखा अपना कटा हुआ कच्चा प्याज। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो कोई इश्यू ही नहीं है, आप प्याज को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। और इस तरीके से प्लेट्स बनाते हुए अच्छे से सेट किया सूखे आटे में कोट करके। और ये स्टेप आपको ज़रूर करना है जिससे आपकी जो स्टफिंग है चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये लीजिए, हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है। और इसी बीच हमने जो पराठा रखा था ये देखिए दूसरी तरफ बढ़िया सा सिक चुका है। तो चलिए अब बारी है ऑयलिंग करने की। तो हम इस पे लगाएंगे ऑयल, आप चाहें तो इसे बटर से सेकिए, देसी घी के साथ सेकिए या सरसों के तेल के साथ सेकिए। स्पेशल बात, आप इससे रोटी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगेगी। इस पराठे को सिकने में नॉर्मल पराठे की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। मैंने आपसे कहा ये पराठा काफ़ी यूनिक है, तो इसे एक्स्ट्रा खस्ता करने के लिए आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा आपका जो घी तेल आप यानी चिकनाई लगा रहे हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, लेकिन पराठे का टेस्ट बहुत ही अलग सा आएगा। उसके लिए आप चम्मच से, जैसे कि मैं इसमें छोटे छोटे होल कर रही हूँ, इस तरीके से होल कर दीजिए, यानी कि बस प्रेस कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा देसी घी या ऑयल जो भी लगा रहे हैं वो आप इस तरीके से लगाइए। इसमें बस घी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। और बैक साइड में भी हम बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे और हल्के से दबा दबा कर आप इस पराठे को अच्छे से सेकिए। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है और पराठे को बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिल जाएगा। तो लीजिए, एक तो सिककर तैयार हुआ, सेम प्रोसेस से दूसरा भी बना लेते हैं। टर्न किया, 30 से 40 सेकंड हुए, दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा सिक गया। तो बस चलिए अब इसकी भी ऑयलिंग कर देते हैं। ऑयल तो आप अपने मन से लगा सकते हैं, अगर डाइस कॉन्शियस हैं तो थोड़ा सा कम लगा लीजिए और वरना आप अच्छे से ऑयल लगाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगा। और ये लीजिए, एकदम नए तरीके से हमारे बथुए आलू प्याज के पराठे और साथ ही बथुए का रायता बनकर तैयार हो गया है। बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप इसके साथ हरे धनिये की चटनी, टमाटो केचप रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बनाइए, डिनर में बनाइए या लंच में बनाइए। सर्दियों में आप ये गर्मा गर्म पराठे जब भी कभी बनाएंगे सभी लोग आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे।
अपने आप में पूरा मील है और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही देसी है, रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।